हेलो गाइस, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। जब खुशियान ने लंजन को पूछा कि क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे प्रपोज किया था, ऐसे ही वो जब फ्यूचर के बारे में कहा तो भी लंजन को कुछ समझ में नहीं आया। वो वहाँ ही बेहोश हो गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वो हॉस्पिटल के डोर के सामने खड़ा था और उसे पछतावा हो रहा था ऐसे फ्यूचर के बारे में कहकर, क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया था ऐसे फ्यूचर के बारे में उसके आगे कहने के लिए, क्योंकि यह लंजन के लिए खतरा भी हो सकता है। विशन सोचता है, मैं दोषी हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं उसे कैसे कह दिया? वो यबिन से कहता है, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पॉलिविन कहता है, चिंता मत करो व्यूशान, वो ठीक हो जाएगा। तभी वो एविन से पूछता है, वो बेहोश क्यों हुआ? पॉलिविन कहता है, कुछ नहीं होने वाला, वो थोड़ा शक गया होगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। ऐसे कहते हुए पॉलिविन ने मुस्कुराया, फिर कहता है, लेकिन वही व्यूशान, हमें एक समस्या है। विशन पूछता है, क्या? ऐसे पूछते हुए उसका दिल तेज गति से धड़क रहा था। वो डर गया था कि पॉलिविन उसे क्या कहने वाले हैं। तभी पॉलिविन कहता है, घबराओ मत, लंजन को इमली ने सम्मोहन किया था और उसके यादाश्त को मिटा दिया गया था, तो सम्मोहन केवल उसी व्यक्ति द्वारा उल्टा किया जा सकता है जिसने इसे किया है। विशन पूछता है, तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? तभी पॉलिविन कहता है, बात यह है कि इसे या तो इमली ने किया है या किसी डॉक्टर ने या कोई एजेंसी लोग, जिसने भी किया है हमें इसे उल्टा करना होगा, तभी उसका याददाश्त भी आ सकते हैं। तभी विशन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो हमें कुछ करना होगा। तभी वही खुशियान अपना धैर्य खो रहा था और कहता है, मुझे अपना लंजन चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पॉलिविन, तुम्हें जो करना है करो। पॉलिविन कहता है, इमली एजेंसी हेडक्वार्टर में है। विशन कहता है, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। पॉलिविन कहता है, तुम जा सकते हो, जो करना है करो। ऐसे कहते हुए वो उसके पीठ थपथपाए। विशन इमली के पास गया। इमली पूछताछ कक्ष में बैठी थी। विशन कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कष्ट दूंगा, तुम्हें भुगतना होगा। तुमने मेरे लंजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की है, तुम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर कहता है, इमली तुम इसे उल्टा करो जो तुम याबो के साथ किया था। इमली ने पूछा, क्या उल्टा? सम्मोहन मैं नहीं कर सकती। इमली कहती है, ये सिर्फ मैं कर सकती हूँ और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं ही हूँ जो यह कर सकती हूँ, और सुनो, मैं इसे नहीं करने वाली हूँ। तभी विशन कहता है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे कराने के लिए तुम्हारे सामने घुटने टेक जाऊं तो ठीक है, घुटने भी टेकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लंजन को कुछ भी होने नहीं दे सकता, मुझे उसकी प्रोटेक्ट करना है, लंजन को छोड़ दो। इमली कहती है, क्या मैं उसे छोड़ दूं? लेकिन मैं उसे चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। विशन कहता है, यदि तुमने फिर से कहा कि तुम फिर से उसके पास रहना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। तुम जो कह रही हो उसे प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता भी है? देखो, मुझे साफ साफ कहो, मुझे उसके मदद करने दो। इमली कहती है, पिटर की अनुमति के बिना कुछ नहीं करूँगी, पिटर ही है जो ये सब करने के लिए मेरे साथ दिया था। विशन पूछता है, तुम उसके लिए कितने समय से काम कर रहे हो? मैं सच में जानना चाहता हूँ। इमली कहती है, 6 साल से मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। विशन चौंक गया और कहा, क्या 6 साल से? इमली कहती है, हाँ, वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे लंजन को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। वो जानता था कि एक बार जब मैं और लंजन की शादी हो जाती है तो वो इच्छा अनुसार ताश खेल सकता है। हमारे लाइफ में आने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लंजन मुझे बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था, लेकिन जब तुम हमारे लाइफ में आए तो सभी प्लान बर्बाद कर दिया। उसने तो मुझे कंपनी के लिए
मैनेजर पोस्ट भी ऑफर करने का वादा किया था। जॉब में लंचन को अपने ओर करने में सक्षम हो जाऊं, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी लंचन मेरा होता अगर तुम यहाँ नहीं होते। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी विल्सन कहता है, ठीक है मैंने सुना। इमली कहती है, लंचन मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तभी विल्सन इमली के पास गया और उसे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक हुए हमले से वो हैरान थी, फिर भी वो पागलों की तरह हंसने लगी और कहती है, तुम उसे काफी नहीं पा सकते हो, काफी नहीं, कोई उसे ठीक नहीं कर सकते है। विल्सन कहता है, यह तुम्हें लगता है कि कोई ठीक नहीं कर सकते है। रुको और देखो इमली, अगली बार जब मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आऊँगा तो मैं अकेले बिल्कुल नहीं रहूँगा। मैं अपने हस्बैंड लंचन को यहाँ साथ लेकर आऊँगा। देखना मैं उसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी। ऐसे कहते हुए वे हुशियार मुस्कुराया। इमली कहती है, ओह तो सुनो, तुम मर ही जाओगे क्योंकि यह ठीक करना आसान नहीं है। तभी वे हुशियार ने अपनी बंदूक निकाली और उसे मारने के लिए उसके ओर इशारा किया। वो चिल्लाया कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, लेकिन वे हुशियार ने उसे गोली मार दी। लेकिन वे हुशियार ने वो गोली उसके पैर में मारा। वो जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगी। वो कहती है, तुम मेरे साथ क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मुझे सच में मारना चाहते हो। विल्सन कहता है, अपना कमबख्त मुख बंद करो, मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई और ऐसा करे। चिंता मत करो, वो जल्द ही हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी किसी ने उसे कॉल किया, बहुत ही यंग। विल्सन की दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए बंद हो गई क्योंकि वो घबराहट से कॉल लिया, क्योंकि यंग अभी भी हॉस्पिटल में ही है लंचन के पास। यंग कहता है, तुम जल्द ही लंचन के पेंट हाउस में जाओ, मुझे वहाँ की नौकरानी ने फोन किया है कि पीटर घर में घुस गया और कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को तलाश कर रहा है। मैं यहाँ लंचन को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए प्लीज जाकर उसे रुको। पॉल एबिन भी वहाँ पहुँचता ही होगा, तुम जाओ। विल्सन कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे रखने के लिए जा रहा हूँ। विल्सन जैसे ही लंचन के पेंट हाउस पहुँचा, लंचन के कमरे की ओर भागा, जहाँ पिता ने लंचन के टेबल को जांच कर रहा था। विल्सन कहता है, हाथ ऊपर करो पीटर। ऐसे कहते हुए वो अपनी बंदूक को उसके ओर इशारा किया। पीटर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विल्सन कहता है, अरे गंदे कामिने, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती। उसने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने पिता के रूप में देखा, लेकिन बदले में आपने उसे क्या दिया। पीटर कहता है, सब कुछ ठीक होता अगर तुम उसके लाइफ में नहीं आते होते। मैं उसे इमली के साथ शादी कर देता, इमली के साथ शांति से रहने के लिए देता, लेकिन तुमने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे कहते हुए पीटर विल्सन के ओर आया। तभी विल्सन ने उसके हाथ खींचा और उसे मोड़ दिया, जिससे वो दर्द से कराह उठा। वो चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उसने उसके पैर को अपने सामने घुटने देखने के लिए जोर से लात मारी। उसके बाद विल्सन ने उसके बालों को पकड़ लिया, जिससे उसका चेहरा ऊपर उठ गया और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि अगर उसकी यादें वापस नहीं आती है तो भी मैं उसके साथ नई यादें बना सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें सो दूंगा। ऐसे कहते हुए वो उसके चेहरे पर जोर से पंच मारा। तभी अचानक उसने लंचन के टूटे हुए आवाज सुना, जो कह रहा था कि विल्सन तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, तुम अब मेरे पीए नहीं हो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, इससे पहले और कुछ कहूँ चले जाओ। विल्सन उसके चेहरे की ओर देखा और उसे एक उदास मुस्कान दी। पीटर मुस्कुरा रहा था। विल्सन सोचता है, माफ करना, मैं तुम्हें अभी भी नहीं बचा सका, हार चुका हूँ, शायद हम साथ में रहना किस्मत में ही नहीं है, मैं सोचा था भूल चुके हो, फिर भी हम एक नया शुरुआत कर सकते थे, लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा, तुमने मुझे गलत समझा, मैं अभी तक
तुम्हारे लिए ही ये सब करते आया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम कितने भी कठोर क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नफरत करते हो। फिर भी मैं तुम्हें रक्षा जरूर करूँगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं किसी की बात नहीं मान सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए वो धीरे धीरे डर के ओर बढ़ा। तभी लैंजन ने आवाज लगाया कि रुक जाओ। वो हुशियान लैंजन के ओर देखा। लैंजन पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? पीटर कहता है, पुलिस को अभी बुलाओ। मर्डर कोशिश करने के मामले में उसे जेल में भेज दो। विल्सन कुछ नहीं कहा, वो वही खड़ा रहा। वो सिर्फ लैंजन के ओर ही देख रहा था। लैंजन पूछता है, विल्सन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें क्यों निकाल दिया? विल्सन कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर लैंजन। लैंजन पूछता है, तुम्हें किस बात के लिए खेद है? विल्सन कहता है, हर चीज के लिए। तभी लैंजन कहता है, ठीक है मैंने तुम्हें निकाल दिया क्योंकि वांग ग्रुप के मैनेजर मेरे पीए कैसे हो सकते हैं? मैं तुम पर इतने काम का बोझ कैसे डाल सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि मेरे हस्बैंड ऐसे काम करे। विल्सन सोचता है क्या वो याद करता है, लेकिन कैसे, क्या चल रहा है? विल्सन सोच में डूबा हुआ था और खड़ा हुआ था और उसके गालों पर आंसू छलक पड़े। तभी लैंजन उसके पास आया और कहा, मुझे माफ करना। ऐसे कहते हुए उसने आंसू पोंछ दिया और उसके चेहरे को सहलाया। तभी पीटर कहता है, लैंजन क्या कर रहे हो? तभी लैंजन कहता है, यह गेम खत्म हो चुका है। तुम कैसा आदमी हो मुझे अच्छे से पता है। मेरे सामने उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे की? पीटर कहता है, ऐसे कैसे हुआ, तुम्हें सब कुछ याद कैसे आ गया? लैंजन कहता है, तुम सम्मोहन के बारे में भूल ही जाओ। तभी कमरे के अंदर पॉल एबिन यांग और उन लोगों के साथ एक सुंदर लड़का अंदर आया। लैंजन कहता है, पापों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीटर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? यह मत भूलो कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पाला है। लैंजन कहता है, तुमने मुझे पाला किस लिए? अपने ही लालच के लिए। तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। तुमने मुझे अपने लालच के लिए मेरे प्यार से अलग कर दिया। कोई इतना जहरीला कैसे हो सकता है? विल्सन के हाथ में बंदूक होने के बावजूद भी वो उसे गोली मारने के लिए हिचकिचा रहा था। वो सोचता है, क्या होगा अगर मैं लैंजन को चोट पहुंचाऊं? अगर मैं उसे गोली मार दूं तो क्या वो मुझसे नफरत करेगा? ऐसे ही वो सोच रहा था तभी अचानक लैंजन ने विल्सन के हाथ से गन लिया और पीटर को गोली मार दी। गोली पीटर के सीने में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी विल्सन ने लैंजन को कसकर गले लगा लिया। लैंजन ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और कहता है, मुझे माफ करना, मुझे खेद है कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ सहना पड़ा। मैं तुम्हें भूल गया, इसके लिए मुझे सच में बहुत खेद है। तुम्हें मेरे कारण सभी कठिनाई से गुजरना पड़ा, मुझे सच में माफ करना। ऐसे कहते हुए वो रोने लगा। विल्सन कहता है, नहीं मुझे माफ करना लैंजन कि मैं तुम्हें बचाने में असफल रहा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहते हुए उसे और कस कर गले लगा लिया और उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी वहाँ जो लड़का आया था उसके बारे में पॉल एबिन कहता है, इसने ही हमें मदद की। विल्सन चक गया और कहा, क्या उसे सब कुछ पता है? पॉल एबिन कहता है, इमली ने इनकार किया तो हमें और की तलाश करना ही था। विल्सन कहता है, आपका शुक्रिया। ऐसे ही बातचीत करने के बाद यांग कहता है, क्या अब हमें जाना चाहिए? विल्सन पूछता है, कहाँ? यांग कहता है, कोई अपनी सजा पाने के लिए वेट कर रहा है। लैंजन विल्सन के हाथ कसकर पकड़ रखा था और दोनों साथ पूछताछ कमरे में चला गया जहाँ इमली बैठी थी। जब उसने उन दोनों को साथ देखा तो वो शक गई। विल्सन मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो मैं उसके साथ आऊंगा? तभी इमली लैंजन से पूछता है, तुम कैसे हो? लैंजन पूछता है, क्यों तुम नहीं चाहते थे कि मैं अपनी यादें फिर से पा सकूं? इमली कहती है, लेकिन कैसे, किसने इसे
मदद की। लंजन ने इमली के सामने एक बंदूक रखते हुए कहा, अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। वो रोते हुए कहा, लंजन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। लंजन कहता है, तुम मुझसे प्यार करने की लायक ही नहीं हो। इमली कहती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो। लंजन कहता है, तुम्हें मेरे वही हुशियान को चोट नहीं पहुँचाना चाहिए था, तुमने यह गलती कर दी। मुझे मारने की कोशिश करने के लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने वही हुशियान को इंसल्ट किया, जिसके कारण मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। इमली कहती है, मुझे माफ करना। ऐसे कहते हुए वो रोने लगी। तभी लंजन इमली से कहता है, तुम तो मेरे द्वारा मारे जाने के लायक भी नहीं हो। अब तुम्हारे पास तुम्हारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा पिता मर चुका है, वो अब तुम्हें नहीं बचा सकता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम कानूनी रूप से लड़ना चाहते हो तो तुम्हारे फैमिली को नुकसान होगा। यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे कारण तुम्हारे फैमिली खतरे में आए तो तुम खुद को मार डालो, लेकिन तुम अभी जेल से बाहर कभी भी निकल नहीं पाओगी। ऐसे कहते हुए जब हुशियान और लंजन बाहर आया तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि इमली ने खुद को मार डाली। तभी लंजन कहता है, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद लंजन हुशियान को गले लगाते हुए कहा, चलो एक बार फिर से शादी करते हैं, इस बार बिना किसी परेशानी के। इतना कहकर ही वो उसे समुद्र तट पर लेकर गया, जहां उन दोनों ने 2 साल पहले अपनी शादी की अरेंज की थी। शादी में हुशियान के पेरेंट्स भी आया। उसे देखकर हुशियान बहुत खुश थे। हुशियान की माँ हुशियान से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा कि हम तुम्हें अपने फैमिली नहीं मानते। हुशियान कहता है, मुझे माफ कर दो। ऐसे बातचीत करने के बाद दोनों ने शादी की। शादी के बाद दोनों साथ हमेशा के लिए रहने लगे, और यही पर ही फैन फिक्स एंड हो जाती है। सो गाइस, मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और न्यू FF शुरुआत करूंगी और कहानी इंटरेस्टिंग होगी जो मैं देख रही हूँ। मेरी एक्सप्लेन सुनने के लिए शुक्रिया। और गाइस, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और न्यू FF मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।